Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, अब हम कुछ और formulas देखेंगे जो trigonometric functions में जो angle दिए हैं उनके twice हो, angle की जगह angle का twice या angle का thrice हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sine of 2 theta हमें यहाँ पे दिया हुआ है, sine of 2 theta यानी theta का twice, या cos of 2 theta है, tan of 2 theta, इन केसेस में यानी यहाँ पर एंगल का ट्वाइस दिया, और इसी तरह थ्राइस के भी फॉर्मूलाज है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, साइन टू थीटा का जो एक फॉर्मूला है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप साइन टू थीटा को आप टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन हम दोनों में फॉर्मूले यूज करते हैं। उसी तरह cos 2 थीटा को भी तीन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तीन अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। नंबर वन इज cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। इसके अलावा आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। एंड देन 10 के एक अंदर भी cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है, वो क्या होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं। तो sin 2 थीटा का cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और अब tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आप होते हैं फॉर्मूले। स्टूडेंट ये sin 2 थीटा cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा के फॉर्मूले। अब इन पर बेस्ड मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, सीधे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल इज प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर लेफ्ट एंड फर्स्ट में एंड सेकंड में, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ थीटा में जनरली आप देख रहे हैं ये आपको गिवन है, सी दिस एंड अगेन यहाँ भी सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ये गिवन है, और आपको दोनों को कॉट थीटा के इक्वल लाना है। देखिए किस तरह से हम यहाँ पे करेंगे, सी फर्स्ट में अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं जिस तरह से क्लास टेंथ में आपने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरह यहाँ पे, सिंस साइन टू थीटा को तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है टू इंटू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के तो फोर फॉर्मूला, उनमें से कौन सा लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप वो फॉर्मूला ड्राइव कीजिए जिससे आपको देखिए कॉट थीटा के इक्वल आपको लाना है, और कॉट थीटा कैसे आएगा अगर ऊपर हमारा यहाँ पे क्या आ जाए ऊपर की तरफ कॉस थीटा है और नीचे की तरफ साइन थीटा है, तभी ये क्या बनेगा कॉस थीटा होगा, तभी ये स्टूडेंट क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो अब किस तरह से यहाँ पे लाया जा सकता है, सी कॉस थीटा नीचे साइन थीटा आपको लाना है, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए वन माइनस कॉस टू थीटा को वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल लिखा जाता है, इसके इक्वल लिखा जा सकता है। फॉर्मूला होता है यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से होगा सी ये यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा नीचे 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज ये 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा सी। अब यहाँ 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका बचेगा सी अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां पर बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा बना देगा, तो कितना आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दिस इज अगेन cos theta upon में sin theta आया, एंड इसे आप क्या लिख सकते हैं cos theta upon sin theta को cot theta आप लिख सकते हैं, तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाले में हम देखते हैं सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta, तो ये क्या लिखा जा 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta, तो 1 plus sin 2 theta माइनस कॉस टू थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन को वन ही रहने देंगे, साइन टू थीटा को हम मूव ये लिख देते टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे यहां पर कॉस टू थीटा को क्या लिखूं, स्टूडेंट कॉस टू थीटा को यहां आप कॉस
स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लीजिए। एंड सिमिलरली नीचे 1 प्लस साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूंगा। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट मैं किस तरह से कर रहा हूँ कि कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले तो मैंने आपको यहाँ पे एक साइन 2 थीटा के 2, कॉस 2 थीटा के 4 एंड टेन 2 थीटा का 1 बताया। अब उनमें से कौन सा आपको अप्लाई करना है ये आपको प्रैक्टिस बेस्ड है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है। अब नाउ यहाँ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा देखिए मुझे ऊपर 1 जो है ये 1 इस माइनस 1 से मुझे कैंसिल आउट करना था। अगर मैं यहाँ cos 2 थीटा को क्या लिखता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखता तो ये 1 और 1 कैंसिल नहीं होते क्योंकि यहाँ प्लस का 1 आता और माइनस का हो, तो इसीलिए मैंने नीचे ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब नीचे मैं उल्टा करूंगा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लिखेंगे। नाउ अब सीख किस तरह से इसे करेंगे। अब उससे ऊपर की तरफ क्या बच्चा, ऊपर की तरफ 2 कॉमन ले लीजिए, साथ ही यहां पर क्या है, बल्कि 2 हम बाद में कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, पहले मैं आपको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए नीचे भी जो है 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किए। ऊपर आप 2 कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपको, फर्स्ट में से यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, कॉस थीटा कॉमन चला गया, एज यू कैन 2 कॉमन कॉस थीटा और यहाँ से भी 2 कॉमन और एक स्क्वायर में से यहाँ कॉस थीटा चला जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे की तरफ आप क्या कर दीजिए, नीचे की तरफ आप यहाँ पर 2 यहाँ दोनों से कॉमन, साथ ही साइन थीटा एंड देन यहाँ से साइन थीटा कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, नीचे की तरफ 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और यही RHS आपको प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से उन फॉर्मूलों का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन से आपने ये प्रूफ किया और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे।